Good morning, students. This is our science video, part 4. In our first 3 videos, we discuss about nutrition in plant. हमने अपने पहले 3 वीडियो में देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है. उसमें हमने पढ़ी डेफिनेशन न्यूट्रिएंट, देन फूड, देन न्यूट्रिशन, देन वी सॉ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, विच फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड हेटरोट्रॉफिक. वी ऑलरेडी डिस्कस इन अवर 3 वीडियोज एंड टुडेज टॉपिक इज सिम्बायोटिक इंसेक्टिवरस रिप्लेसमेंट एंड वी विल सॉल्व सम एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल्सो. सो व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन? बिफोर स्टार्टिंग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं. तो इसमें हेटरोट्रॉफिक में एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है, और पैरासाइट और सैक्रोफाइट में एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है. वी सॉ दैट, बट यू हैव टू नोटिस दैट कि जब वन प्लांट इज डिपेंड ऑन अदर, तो जो ग्रोथ है जिस प्लांट पे वो डिपेंड कर रहा है, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसके न्यूट्रिशन वो नेक्स्ट प्लांट ले लेता है. बट सिम्बायोटिक डिफरेंट, सिम्बायोटिक आर म्यूचुअली बेनिफिटेड. इसलिए जो प्लांट, द प्लांट विच डिपेंड ऑन अदर, बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को बेनिफिट मिलता है. जैसे कि फ्रेंडशिप में आप किसी फ्रेंड की हेल्प करते हो, so the duty of the other friend is also helps you. इसकी भी duty होगी कि वो आपको help करे. So in this mode of nutrition, two different organisms live together and are mutually benefiting. Example like lichen. Lichen is a composition of algae and fungus. Algae and fungus, you saw that अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे रेनी सीजन में से कहीं वाटर कलेक्टेड है या किसी वॉल पे मॉइस्चर आया होता है, देन तो एक ग्रीनिश लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है. तो व्हाट इज इट? इट्स एल्गा. और फंगस इज अ काइंड ऑफ एल्गा. फंगस का वर्क, इसमें दोनों का वर्क होता है. फंगस करता है कलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड टू द एल्गी. फिर एल्गी जो है वो फूड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से देन इट इज अगेन ट्रांसफर टू द फंगस. What does fungus do? A fungus live on the root like algae. The fungus absorbs water. Fungus का work होता है कि वो nutrient को absorb करता है from the soil, फिर वो supply करता है algae को, फिर then algae in return क्या करती है, वो food बनाती है और supply करती है fungus. It is a unique example of the friendship. Next is insectivorous. Insectivorous plants. Have you ever studied about pitcher plant? Pitcher plant, Venus flytrap, sundew, these all are example of insectivorous, means like non-vegetarian plant. जैसे कोई आपने देखा हो अगर डिस्कवरी चैनल पे कोई प्लांट है, एक अगर उसको कोई इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट अगर आके उस पर बैठ जाता है, देन इट विल क्लोज इट माउथ एंड टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट स्मॉल एनिमल. इसमें जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में टू टाइप्स होते हैं, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. सेम इन प्लांट्स, देयर आर ऑल्सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस विच ईट इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट प्लांट विच ईट eat meat eating plants. They are called as meat eating plants, which eat insects. Insect example like small animals, fly, honey bee and many others. These plants are green, or yes, they are also in green, or they make photosynthesis too. But डिफरेंस इज कि दे आर इंसेक्टिवोरस और दे ईट इंसेक्ट. दीज प्लांट आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट दे ग्रो इन प्लेस वेयर द सॉइल इज डिफरेंट डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन. ओके,
नाउ ये जो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस भी प्रिपेयर करते हैं, पर जो इनकी सॉइल होती है दे उस सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से दे ईट इंसेक्ट। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम दिस अ पिक्चर प्लांट, और ये इसका कवर है। जब भी कोई इंसेक्ट इसके माउथ पे आके बैठता है, और कब इंसेक्ट इसके माउथ पे आके बैठता है, देन इट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर। ओके, ये भी फ्लावर की तरह ब्लॉसम को फ्लावर का स्मेल करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट जो है वो आके यहाँ पे बैठ जाता है, एंड इट कवर इट्स माउथ, सो इट्स स्टक बिटवीन इट। Now, according to the definition, these plants are used insects and other small animals for the nutrients. These plants are called insectivorous plants. But there are so many types of insectivorous plants: pitcher plants, Venus flytrap, sundew, etc. Next again, replenishing nutrients in the soil. What does it mean? So, जितने भी प्लांट्स हैं दे टेक, सब हमने अभी तक 3 वीडियो में पढ़ा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना सॉइल से ऑप्टेन करते हैं। दे ऑप्टेन देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। अब वो सॉइल से न्यूट्रिएंट ऑप्टेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉइल नीड ऑल्सो न्यूट्रिएंट। जब सॉइल में न्यूट्रिएंट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो जो प्लांट है उसमें न्यूट्रिएंट इंटेक होगा, जिसकी वजह से वो ग्रो करेंगे। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल आर पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। These are the major nutrients for the soil, जो कि आप अगर आपने देखा हो किसी फार्मर को, यू और बिलोंग सम स्टूडेंट बिलोंग टू द फार्मर बैकग्राउंड, इफ यू एवर सॉ एनी मेम्बर ऑफ योर फैमिली कि कोई भी क्रॉप उगाने से पहले फार्मर जो है फर्टिलाइज सॉइल को फर्टिलाइज करता है। दे फर्टिलाइज सॉइल बाय गिविंग फर्टिलाइजर और मैन्योर। जब वो सीड जर्मिनेट करता है, so what is it? It's a nutrient in the, it's giving nutrient in the soil. What type of nutrient? Phosphorus, potassium, magnesium. अगर आप घर पर gardening भी करते हो तो आप soil को चेंज करते रहते हो, हर बार soil को चेंज करना पड़ता है। अगर if you saw that, so what does it mean? You are replenishing nutrient in the soil. आप soil को और nutrient provide करा रहे हो। When we change the soil of any पॉट, अगर आपने घर पर बनाया हो तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर सम न्यूट्रिएंट्स। और द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज नाइट्रोजन इज ऑल्सो, नाइट्रोजन इज अवेलेबल प्लांटिंग में, नाइट्रोजन इज ऑल ओवर, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर इन द मैक्सिमम अमाउंट। बट जो प्लांट हम डायरेक्टली नाइट्रोजन एयर से नहीं लेते, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सॉइल में जिसको वी कॉल्ड एज राइजोम। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये भी अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो ये जो रूट्स जो दाल मेरी दालें होती हैं उनकी रूट में राइजोम प्रेजेंट होता है, देयर इट मेक देयर फूड, और जिसकी वजह से जो प्लांट है वो उसके थ्रू नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है। नाइट्रोजन नेवर ऑब्टेन, सॉरी प्लांट्स नेवर ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, इट ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल विद द राइजोम बैक्टीरिया। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो। फर्स्ट, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, क्यों ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है फूड लेने की? बिकॉज दे नीड एनर्जी एंड यूज देम फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। ओके, ऐसे ही सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है जो सॉल्व
एग्जाम है, यू हैव टू प्रिपेयर इट। नेक्स्ट इज सिंडर ब्लैंक, ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स ऑटोट्रॉफ। वट दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। सो हेयर ऑटोट्रॉफ विल बी राइट अप। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट से वो एज जो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट यू हैव टू फिल विद योर ओन। नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग अ पैरासाइट प्लांट विच येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। जिसकी येलो और ट्यूबुलर स्टेम होती है पैरासाइट प्लांट में, हमने एग्जाम्पल पढ़ा था द पिक्चर प्लांट। देयर आर ऑल द एक्सरसाइज यू हैव टू डन इट बाय योरसेल्फ। ओके, मैंने आपको पहले ही एक दो क्वेश्चन सॉल्व बता दिए, सिंपल है, ईजी है, यू कैन डू इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।